आज भरत शर्मा जी सिने मैजिक के चेयरमैन, उनके द्वारा प्रोग्राम आयोजित किया गया है अहमदाबाद के अंदर सिने मैजिक अवार्ड। मैं फिल्म अभिनेता राकेश पांडे, मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के लिए भरत शर्मा जी का ये हर साल इनका प्रोग्राम होता है और सब लोगों को यहाँ पर प्रोत्साहित करते हैं, और मैं उनको मैं यहाँ पर बुलाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं सदा चाहूँगा कि इसी तरह का कारवां सिने मैजिक का सदा सदा चलता रहे। और जल्द ही मेरी एक भोजपुरी फिल्म रिलीज़ होने वाली है आज की दबंगिरी, तो मेरी विनती है इस प्रोग्राम के माध्यम से कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। और तमाम यहाँ पर जितने भी प्रोड्यूसर्स आए हैं, काफ़ी फिल्मों के पोस्टर लॉन्च हुए हैं यहाँ पर, तो मैं सभी लोगों को, सारे प्रोड्यूसर्स को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और थैंक यू सिने मैजिक, थैंक यू भरत शर्मा जी। राकेश पांडे नु स्वागत करें। राकेश पांडे जी प्लीज स्टेज पर आइए। थैंक यू सो मच। पांडे जी ने घनी फिल्मों गुजराती भोजपुरी घणु काठू काढ्यु छे आ माणसे इंडस्ट्री में, अने आ माणस ने सलाम छे। हमणा जेमनी रिलीज थई लवनो भवाड़ो, अने गुजराती इंडस्ट्री में गोविंद ठाकुर ना नामे खूब ज प्रचलित छे। पूरी इस गुजराती इंडस्ट्री में एक इकलौता मैं ही हूँ जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश बनारस से, गुजरात के अंदर जो मुझे मान मिला है, जो प्यार मिला है, उसको एहसान करके कह तो मैं छोटा नहीं कर सकता। लेकिन ये सब आप लोगों के प्यार आशीर्वाद स्नेह का देन है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। 2008 से मारी पहली पिक्चर हती स्नेह ना सकपन विथ हितेंद्र कुमार, नीलम पंचाल, रूपा डिवेटिया। बीजी सजनी छे देश मां बालम विदेश मां, त्रीजी सरहद नी पार मारी राधा, चौथी गोविंद ठाकुर रिक्शा वाड़ो, और सबसे भाग्यशाली मैं हूं हरसुख भाई जी के खानदान से कि गोविंद भाई पटेल जी का मैं लीड हीरो रहा। तारा रुदिया नी रानी भोले बंधानी, फिर कारवां शुरू हुआ, फिर दिकरा राजे वर्दी नी लाज, गोविंद नी जान राधा चाली जापान। हमारा सौभाग्य रहा हरसुख भाई के साथ एज अ प्रोड्यूसर, ये थे रजवाड़ी छिए मानवीर रहिए, एक्टिंग सुपरस्टार जीतू पंड्या जी के साथ काम करने का इसमें मौका मिला। एंड राधा तने लव करूं कि बेबी का गऊ करूं, और फिर उसके बाद लव नो भवाड़ो मैडम आपका मैं बोल रहा हूं। मैं बहुत ही इसलिए समय आप सीनियर है आपके सामने खड़ा होकर ले रहा हूं कि ये मान जो है सम्मान मिलना नामुमकिन है, और जो मुझे मिला है इसके लिए मैं आप सब लोगों को यहाँ से पांव छू के प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि गुजरात में अगर मैं ना होता तो शायद मैं वीर अर्जुन पिक्चर में भी ना होता। वीर अर्जुन फिल्म मुझे वहाँ मिली, और पैरलर हीरोज़ के साथ भी काम करने में तभी मौका मिलता है जब आप कहीं कुछ कर रहे हो। वीर अर्जुन भोजपुरी में भी बहुत अच्छी चली, और अभी मेरी नेक्स्ट मूवी बितनी रहुआ गर्दिश मई में शूट होने जा रही है, ये भी सब आप लोगों की देन है। और इस मंच पर मुझे पता है बहुत सारे अवार्ड वितरण हैं, लेकिन मैं यहाँ ये जो सिने मैजिक जिस प्रोग्राम के लिए हम लोग हैं, ये फिल्म फेयर एक मैगजीन जैसे होती है, तो अपनी गुजराती ये फिल्म फेयर है जिसने जब ये सोशल मीडिया नहीं था तब से सिने मैजिक भरत शर्मा जी ने ये कारवां जो है चला रखा था और हम लोगों को छापा करते थे, और अब ये दोबारा सिने मैजिक की आज खास तौर पे बोला जाए तो एक बहुत बड़ी लॉन्चिंग है। और इस व्यक्ति ने पीएम जी कि इन्होंने कोरोना काल के अंदर भी यही उत्साह, यही अवार्ड और यही प्रोत्साहन हम लोगों को इसी प्रकार से दिया था। और मैं आप लोगों को कहूं कि ये अवार्ड बाजार में आप खरीदने जाएंगे इसकी कीमत ना देखें, लेकिन इस सम्मान के लिए ही कलाकार तरसते हैं। कलाकार तो दिल के बड़े प्यारे होते हैं, और ये सम्मान दिलाने के लिए जो शर्मा जी हम लोग के लिए काम करते हैं, मैं तहे दिल से जो है इनका धन्यवाद देता हूं। और मैं भरत शर्मा जी को वाकई जहां पर भी जिधर भी भरत शर्मा जी की सिने मैजिक के लिए हैं, मैं और सारी पूरी इंडस्ट्री खड़ी रहेगी। और केशव दादा जी को मैं प्रणाम करता हूं कि आपका पोस्टर लगा है नवी मारी पिक्चर आवे छे भोजपुरी मां आज की दबंगिरी, तो
केशव दादा के भी संरक्षण में काम करने का मुझे मौका मिला। बिमल त्रिवेदी जी के साथ गोविंद ठाकुर रिक्शा वालों में काम किया। बहुत सारे कलाकार हैं इसमें, नया जो कुछ लोग अभी मिक्स होते जा रहे हैं, तो उनके लिए मैंने कहा एक नया परिचय दे दें। बाकी तो माँ मेलड़ी ने पूजनारो हूँ छो गोविंद ठाकुर रिक्शा वालों। थैंक यू।